How's that? नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। आपने विदेशी क्रिकेटरों का भारतीय लड़कियों से शादी करने की खबरें तो सुनी ही होंगी, परंतु आज हम इस वीडियो में उन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत से बाहर की यानी विदेशी लड़कियों से शादियां की हैं। तो चलिए जानते हैं उन खिलाड़ियों और उनकी पत्नियों के बारे में। इरफान पठान और शफा बेग भारत के कभी स्टार ऑलराउंडर रहे। इरफान पठान ने 5 फरवरी 2016 को सऊदी अरब के जेद्दाह जिले के अजीजिया की सफा बेग से सऊदी के ही एक मक्का में निकाह किया। शफा शादी के वक्त महज 21 वर्ष की थी, जबकि वही इरफान की उम्र उस समय 31 थी। खबरों की माने तो शफा और इरफान की मुलाकात शादी से 2 साल पहले दुबई में हुई थी, जिसके बाद दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया और फिर अपने करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंध गए। अगर बात इरफान की बेगम शफा की करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि शफा मूल रूप से भारत की ही हैं। उनके पिता मिर्जा फारूक बेग हैदराबाद के रहने वाले हैं। व्यवसाय के लिए वो सऊदी गए और फिर वहीं की नागरिकता ले ली। आपको बता दें कि बेहद खूबसूरत सफा मिडिल ईस्ट एशिया की एक बड़ी मॉडल रह चुकी हैं और उनकी तस्वीरें वहां की कई बड़ी फैशन मैगजीन में भी छपी हैं। युवराज सी और हेजल कीच भारत के पूर्व हरफन मौला क्रिकेटर एवं 2011 विश्व कप विजेता टीम के हीरो रहे। युवराज सिंह ने भी ब्रिटिश मॉडल हेजल कीच से शादी की है। आपको बता दें कि हेजल कीच ने हैरी पॉटर के कुछ फिल्मों में सहायक अभिनेत्री के रूप में कार्य किया है। भारतीय टेलीविजन और फिल्मों में भी काम कर चुकी हेजल कीच को भारत में सबसे ज्यादा पहचान सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में एक सहायक भूमिका निभाने के बाद मिली थी। युवराज और हेजल कीच की शादी आसानी से नहीं हुई थी, उसके लिए युवराज को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। युवराज ने एक शो में बताया था कि हेजल जब उनसे सामने से बात नहीं कर रही थी तो उन्होंने हेजल को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, जिसे हेजल ने 3 महीने बाद एक्सेप्ट किया। युवराज ने यह भी बताया कि जब वे हेजल को मुलाकात करने के लिए बोलते तो वो हाँ कर देती, लेकिन बाद में अपना फोन ऑफ कर देती थी या फोन रिसीव ही नहीं करती। बड़ी मुश्किल से कुछ कॉमन फ्रेंड की वजह से उनकी पहली डेट संभव हो पाई एवं कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों 30 नवंबर 2016 को शादी के बंधन में बंध गए। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी भारतीय क्रिकेटर्स का विदेशी लड़कियों से शादी करने में फेसबुक ने उनकी काफी मदद की है, क्योंकि युवराज और हेजल की तरह ही शिखर धवन और ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली आयशा मुखर्जी को मिलाने में भी फेसबुक का ही संयोग रहा है। दरअसल आयशा हरभजन की फेसबुक फ्रेंड थी। एक दिन शिखर धवन और हरभजन सिंह साथ बैठकर फेसबुक चला रहे थे, तभी शिखर ने हरभजन की प्रोफाइल में आयशा की एक फोटो देखी और उसे देखकर वो क्रेजी हो गए एवं उन्होंने तुरंत ही आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। उधर आयशा ने भी शिखर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, जिसके बाद दोनों में काफ़ी बातें हुई और फेसबुक पर बनी दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि शिखर के घर वाले पहले इस रिश्ते के लिए नहीं माने, क्योंकि आयशा की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उनकी 2 बेटियां भी थी, लेकिन शिखर के जिद के आगे वे भी आयशा को अपनी घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गए। शिखर और आयशा ने सगाई तो कर ली, लेकिन शिखर ने आयशा से शादी के लिए वक्त मांगा, क्योंकि उस समय शिखर का करियर अभी शुरू ही हुआ था। बाद में भारतीय क्रिकेट में पूर्ण रूप से स्थापित होने के बाद अक्टूबर 2012 में विराट कोहली और अन्य भारतीय टीम के कई स्टार क्रिकेटरों की मौजूदगी में शिखर धवन और आयशा एक पारंपरिक सिख रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंध गए। आपको बता दें कि आयशा मुखर्जी एक प्रशिक्षित किक बॉक्सर हैं और वह शिखर से 10 साल बड़ी हैं। बिशन सिंह बेदी और ग्लेनिथ भारत के कभी स्टार स्पिनर रहे बिशन सिंह बेदी ने भी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली ग्लेनिथ से शादी की थी। भारतीय टीम 1967-68 में ऑस्ट्रेलिया टूर पर गई थी, जहां मेलबर्न की एक पार्टी में बिशन सिंह बेदी की मुलाकात ऑस्ट्रेलियन गर्ल ग्लेनिथ से हुई। कुछ ही मुलाकातों में दोनों के बीच प्यार हुआ और जल्द ही शादी हो गई। दोनों के एक बेटा गावस इंदर सिंह और एक बेटी ग्लिंडर है। हालांकि इनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और इनका तलाक हो गया। बाद में बिशन सिंह बेदी ने भारतीय लड़की अंजू इंद्रजीत बेदी से शादी की, जिससे उनका एक बेटा अंगद बेदी और एक नेहा नाम की बेटी है। आपको बता दें कि बिशन सिंह बेदी श्रीलंका के स्टार स्पिनर मुथैया मुरलीधरन की बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठाने, धोनी की कप्तानी पर सवाल उठाने तथा जब वे भारतीय टीम के मैनेजर थे तब टीम के खराब परफॉर्मेंस पर पूरी टीम को प्रशांत महासागर में डुबो देने के अपने बयानों की वजह से कई बार विवादों में घिरे रहे हैं। आज भी 73 वर्ष की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़े किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। क्रिकेट से जुड़ी प्रतिदिन की खबरें एवं ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। खबरों को तुरंत पाने के लिए नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।